क्या आपकी नींद भी सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच खुलती है? ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति की नींद सुबह 3 से 5 बजे के बीच खुलती है तो इसके पीछे किसी दिव्य शक्ति का इशारा छुपा होता है। सुबह 3 से 5 के बीच उठने वाले लोगों के साथ ऐसा कुछ खास होता है जो उन्हें दूसरे लोगों से अलग बना देता है। तो 3 से 5 बजे के बीच नींद का खुलना क्या चिंता का विषय है या ये खुश होने वाली बात है? इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो आपको पूरा वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। तो अगर आपकी आँख भी सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच खुलती है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, मुझे जानकर अच्छा लगेगा। तो चलिए आज मैं आपको इस दिलचस्प जानकारी के बारे में डिटेल में बताती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि रात को काफ़ी गहरी नींद सोने के बाद भी व्यक्ति की नींद अचानक ही बीच में खुल जाती है। कुछ लोग इसे नॉर्मल सी बात समझकर नज़रअंदाज भी कर देते हैं और दोबारा सो जाते हैं। अगर आपकी नींद भी ऐसे ही अचानक खुल जाती है तो ये बिल्कुल भी नॉर्मल सी बात नहीं है। आप गलती से भी इस चीज़ को नज़रअंदाज ना करें, इसके पीछे बहुत से संकेत छिपे होते हैं। जनरली लोगों की आँख सही 3 बजे, एकदम सही 4 बजे, सही 5 बजे, इस टाइप से बहुत सारे लोगों की नींद खुलती है और इस तरह अचानक से उठने के बाद लोग खुद भी अचंभित हो जाते हैं कि मेरी नींद अचानक से ऐसे कैसे खुल गई, और समझ नहीं पाते कि इसके पीछे आखिर क्या रहस्य है। तो सुबह 3 से 5 बजे का जो रहस्य है वो ये है कि सुबह 3 से 5 बजे का समय अमृत वेला कहा जाता है या इसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। इस वजह से वातावरण में कई अलौकिक शक्तियों का प्रभाव भी होता है। ये अलौकिक शक्तियाँ आपको कई तरह के संकेत देती हैं, बस आपको इन संकेतों को समझने की ज़रूरत होती है। क्योंकि जब भी हमारे साथ कुछ अच्छा होने वाला होता है तो हमें ईश्वर की तरफ से कुछ ना कुछ संकेत मिलते हैं और हम उन्हें समझ नहीं पाते हैं, तो बस ज़रूरत होती है उनको समझने की। क्योंकि आपको ये जानकर खुशी होगी कि ये अलौकिक शक्तियाँ 3 से 5 बजे के बीच उन्हीं लोगों को उठाती हैं, उन्हीं लोगों को जगाती हैं जिनकी लाइफ में जल्दी ही कोई पॉजिटिव बदलाव आने वाला है या कोई खुशी आने वाली है। क्योंकि सुबह 3 से 5 बजे का जो टाइम होता है वो सृष्टि के निर्माण का टाइम है, ऐसा कहा जाता है। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी हैं और इसी वजह से इसे ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं। तो इस मुहूर्त में आप शक्ति, ऊर्जा, पॉजिटिव थॉट, इन सब चीजों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपकी नींद भी सुबह 3 से 5 बजे के बीच खुल जाती है तो यकीन मानिए आप बहुत भाग्यशाली हैं। क्योंकि आजकल के लाइफस्टाइल में ब्रह्म मुहूर्त में उठना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, बहुत मुश्किल होता है एक हेक्टिक लाइफस्टाइल के बाद सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना। लेकिन जिन लोगों की आंख अचानक से अपने आप खुलने लगी है, कभी वो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठे, कभी उन्होंने सूरज को निकलते हुए नहीं देखा, तो ऐसे लोगों की लाइफ बहुत जल्दी बदलने वाली है, ये श्योरिटी है। बाकी ब्रह्म मुहूर्त में उठने से आपको पता ही है, हेल्थ हो वेल्थ हो, हर चीज के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना फायदेमंद ही रहता है। हेल्थ अच्छी रहती है, आप मॉर्निंग में रूटीन से अपने सारे काम पूरे करेंगे, अपना काम रूटीन से करेंगे तो आपकी वेल्थ भी अच्छी होगी एंड आपका जो मेंटल स्टेटस है वो भी पॉजिटिव रहेगा। क्योंकि आप नेचर से कनेक्ट होते हैं जब सुबह उठते हैं, वॉक करते हैं, सूरज को देखते हैं, बर्ड्स की जो चहचहाने की वॉइस है उसको सुनते हैं, या आप हरी घास पे चलते हैं, पार्क में घूमने जाते हैं, तो इस तरह से आप नेचर से भी कनेक्ट हो पाते हैं और नेचर के थ्रू आप खुद से भी कनेक्ट हो पाते हैं। एक शांति जो सुबह के टाइम में जो पीसफुल एटमोसफेयर रहता है वो पूरे दिन में हमें किसी भी टाइम पर नहीं मिलता है। जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं, 3 से 5 बजे के बीच में उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, उन्होंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है। और जो लोग हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं या 5 बजे तक जनरली उठ जाते हैं, वो लोग जानते हैं सुबह उठने की पावर को। तो अगर आप भी सुबह जल्दी उठते हैं या आपकी आँख भी अपने आप खुल जाती है तो इस चीज़ का आप फायदा उठाइए, निश्चित ही आपके जीवन में एक पॉजिटिव बदलाव आएगा। जय श्री कृष्णा।